बिहेवियर मोडिफिकेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रूम मैनेजमेंट अप्रोच एंड इट इज एन ओवर्ड अप्रोच आइए देखते हैं कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जब बात करते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद है बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ये एक टीचर की एफर्ट होती है या एक स्कूल की एफर्ट होती है कि वो स्टूडेंट्स के रवैये में तब्दीली लेकर आए ताकि एक बेहतर तदरीसी अमल जो है वो बरूएक लाया जाए सो so बेसिकली It is an effort by the school or by the teachers to bring in desired changes in the students' behavior so that meaningful teaching and learning can go on in the classroom and also in the school. Now, how does that happen? That happens through the employment of different teaching strategies. A teacher uses different strategies in the classroom. टू ब्रिंग इन दिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर क्योंकि देखा यह गया है कि इंटीमिडेशन स्ट्रेटजीज यूज़ करके या अथॉरिटेरियन टीचर बनकर हम मसले को हल नहीं कर सकते मसाइल जो हैं वो वहीं पर ही रहते हैं और वक्ती तौर के ऊपर जो uh, तालब इम है वो एक बेहतर रवैयाखार करता है और उसके बाद वो दोबारा से उन्ही uh, जो है बिहेवियर्स मैनिफेस्ट uh, करना शुरू कर देता है सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इरेडिकेट सच बिहेवियर्स थ्रू द यूज़ ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजीज वट आर द बिहेवियर्स दैट नीड मॉडिफिकेशन वो ऐसे uh, कौन से रवैये हैं जिनको जरूरत है कि उनमें तब्दीली लाई जाए सबसे पहले तो फियर एंड एंगजाइटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल लाइफ बाज तलब जो हैं वो मुख्तलिफ़ फर्स का शिकार होते हैं किसी में फियर ऑफ एग्ज़ाम्स होता है बाद बच्चे जो हैं उनको आ, स्कूल एंग्जाइटी होती है स्कूल आने का खौफ होता है बाद बच्चे जो हैं वो आ, किसी के साथ बैठते हुए डरते हैं बाद बच्चे जो हैं वो ग्रुप में काम करने से डरते हैं बाज़ बच्चे जो हैं वो शाए होते हैं दे लैक कॉन्फिडेंस तो उन बच्चों के रवैये में तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि देखा जाए तो द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन टू मेक अ स्टूडेंट अ सक्सेसफुल एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी और उसके लिए ये बहुत जरूरी है दैट दीज अननेसेसरी फीयर्स आर वर्कड अपॉन इन द स्कूल एंड दे आर इरेडिकेटेड सो दैट अ स्टूडेंट बिकम्स अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट इन हिज और हर ओन लर्निंग इसके अलावा मिसबिहेवियर बाद बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर मिस बिहेवियर शो करते हैं क्लासरूम में दे मिसहेव इन द क्लास रूम एंड देयर बिहेवियर पैटर्न नीड टू बी इमीजिएटली एड्रेस्ट उन बिहेवियर्स को बताना कि ये एक बुरा रवैया है और इसको आपने तब्दील करना है उसके लिए जो इस हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज करते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में हम तफसील से आगे बात करेंगे लेकिन बहरहाल यहां पर यह बताना जरूरी है दैट ग्रॉस मिस इन क्लास हैज टू बी चेकड एंड हैजू बी एलिनेटेड इसके अलावा सब्सटेंस एबूज बच्चे जो हैं वो क्लास uh, रूम की चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं दे बेसिकली देब्यूज दटीरियल दैट आर देयर इन द क्लासरूम चीजों को फेंकते हैं उनकी तोड़ फोड़ करते हैं इन चीजों को भी जो है वो uh, खत्म करना uh, बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है क्योंकि फिर

क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये अभी उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे कि इनको खास टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज की समझ आ सके दीज चिल्ड्रन दे रिक्वायर प्रोफेशनल सपोर्ट एंड सच सपोर्ट सर्विसेज शुड बी मेड अवेलेबल इन द स्कूल इफ यू हैव सच चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम इसके अलावा क्रिमिनल एंड डिलिंक एक्टिविटी बाज बच्चे जो हैं वो खास तौर के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं And that is a big behavior disorder, and that needs modification, and that needs a permanent solution. And those behaviors need to be seriously addressed in the school.